and I have visited here in one of the villages, and that one is Gulab Bigha, right? Gulab Bigha naam hai na is jagah ka. और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ जो कि रफीगंज के जाने माने कृषि क्षेत्र में, मैं बात कर रहा हूँ कृषि क्षेत्र में इनका बहुत ही रुतबा है। उसके पीछे कारण आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने बिजनेस को, व्यापार को इस स्तर पे बढ़ा लिया है कि उस कृषि क्षेत्र से और अलग से भी इन्होंने अपना एक यहाँ पे ईटा भट्टी, यानी कि ईट बनाने की जो भट्टी होती है उसको डाल रखा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा सर कि हमारे व्यूवर्स पूरे बिहार में देख रहे हैं सर इसको, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, परिचय दें अपना सर। मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम है, महल्ला महाराजगंज और टाउन नंबर रफीगंज और वार्ड नंबर 15 का रहने वाला हूँ, मगर अगले साल 15 को छोड़ करके हम देहात क्षेत्र में चले गए चरकावा पंचायत में। अच्छा, वहाँ से मुखिया का भी प्रत्याशी बने थे 16 में, उसके बाद 62 वोट से हार गए। प्रयास कर रहे हैं, अगर हम खड़ा हूँ। बिल्कुल सर, आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें सफल होइए, अल्लाह से यही दुआ रहेगी। और जैसा कि हमने आपके बारे में सुना सर कि कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, तो कृषि क्षेत्र में आपने क्या मतलब किया है जो कि और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं सर, और कृषि क्षेत्र में क्या मतलब हो सकता है, बेटर हो सकता है बिहार के क्षेत्र में? बेटर तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर लोगों को विश्वास ही नहीं है, इसे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। सब लोग देखा देखी था धान से कहा होगा, किसे कहा होगा, धान में कोई खराब चीज नहीं है, धान में भी कितना क्वालिटियाँ हैं, कितना नस्ल है, कितना जातियाँ हैं, वो तरह की बात है। जैसे यहाँ अभी है कितना समतल मैदान है, इसमें इतना धान अच्छा होगा जैसे बंगाल में होता है, मगर लोग कर नहीं पाते हैं लाइन के कारण। यहाँ पर लोग, मगर यहाँ पर जमीन के लिए अस्थाई चाहिए, जहाँ पर भट्टा हमारा रहा है वहाँ एक ही बावन का बहुत सा जमीन है 50 बीघा, और हर लड़के को 8-8 बीघा मिला है, एक तरफ एक जगह मिला है, धंधा करने में बढ़िया मजा आ रहा है। और वही खेती इनके लोग भाई बाट है, पूरी बाट है, कहीं 10 कट्ठा कहीं 5 कट्ठा, उसे नहीं करना होता है। वहाँ हर जन लोग कहीं चरा दे रहे हैं, तो कहीं जानवर चर जा रहा है, कहीं सावर चर जा रहा है, ये तो होता है, मगर यहाँ पर वो सब बात नहीं है। अच्छा, चर भी रहा है यहाँ पर। सर जैसा कि मैंने आपके बारे में ये भी सुना सर कि आपने प्लांटेशन में भी बहुत अच्छा काम किया, पेड़ पौधों को लगाया सर, तो उससे क्या क्या फायदा होता है और किस तरह से आपने इस तरह का प्रयास किया सर? पहले तो कुछ दिन पहले हम कृषि विभाग में जो था अफसर ब्लॉक में आते थे, उनसे हमारा ताल्लुक रहा और वहीं से प्लांटेशन का काम सीखे। तो प्लांटेशन में होता था तो शीशम का पेड़ अभी जमा हुआ है, उसको ग्रोथ करने के लिए उसको स्टेम हम बढ़ाए 3 इंची जड़ और 2 इंची धड़, 3 इंची लंबा 2 इंची चौड़ा, प्लास्टिक में मिट्टी भर के और ये क्या बोलते हैं कंपोस्ट वगैरह दे करके सब लाखन लोग से 50 रुपये सैकड़ पर हम ये लगाते थे, पोल्थिन भरवा करके उस तरह काम करते करते करके फिर आगे गए और उनका जो ब्लॉग जो होता था उसको सीखे, सीखने के बाद फिर बाजार में गया, क्या बोलते हैं सैकुल उस तरह काम किया। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ प्लांटेशन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पेड़ पौधे लगाओ, उसके पहले ज्ञान लेना जरूरी है। ज्ञान तो पहले लिया गया, ब्लॉक से लिया गया, ब्लॉक से लिया गया, ब्लॉक से आपने ज्ञान लिया, ज्ञान को ग्रहण करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड फ्लोर कर दिया, राइट। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा सर कि कृषि क्षेत्र में जैसा कि आपने बताया तो यहाँ की मिट्टी किसके लिए उपजाऊ, यानी जैसे कि धान वगैरह के बारे में बताया, तो क्या दूसरा फसल यहाँ पे अगर किया जाए तो सक्सेस नहीं हो पाएगा? पंजाब में है, क्या कारण है मिट्टी में उतना मनी होना चाहिए? किस तरह की मिट्टी है सर यहाँ? मिट्टी तो जैसे केवल है, तो केवल हर पौधा के लिए अच्छा नहीं है, दोमट है तो वहाँ के लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ भीस है, भीस होता है अलग है, हर खेती हो सकता है, बदाम भी हो सकता है और कुछ ऐसा सभी हो जाएगा, दोमट मिट्टी में सब हो सकता है, केवल ऐसा है ना उसमें ग्रोथ नहीं आएगा, धान गेहूँ जो भी कर सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि सर हल बैल चला करके ही लोग खेती करना चाहते हैं, बल्कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है जिसका यूज करना भी चाहिए फास्ट ग्रोथ करने के लिए, फर्टिलाइजर्स भी यूज हो रहा है, तो इसके बारे में लोगों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर कि कृषि को व्यापक तौर पे कैसे तैयार किया जा सकता है बड़े तौर पे, यानी कि एक जो फील्ड है आपका खेत जो है उसमें क्या लगाएं और कितना धान? ठीक है, मगर कृषि में जो कितने जितने लोग हैं पहले वाले लोग अब रहे नहीं,
अब कृषि के पीछे नहीं आया, जब तक कृषि जो आगे बढ़ा है इसी के लिए आज खेती हो रहा है, कल खेती बंद हो जाता है। पहले जो धान होता था कम 20 महीने बीघा, आज हो रहा 60 महीने बीघा, तो कृषि का देन है। या लोग आराम से जो खेती कृषि निकल गया है, टेक्नोलॉजी निकल गया है, इसी तरह से खेती बहुत ढंग से भी होता है। उतना धान होता था कहाँ, भूख मर जाता था, पहले नहीं होता ना, उतना धान पैदा नहीं होता ही नहीं था। 10 महीने 20 महीने बीघा हो गया तो वो राजा हो गया आदमी, पहले एक आदमी कमाता था, आज के बाद सब आदमी कमा रहा, सब आ गए किसान है। अच्छा, जैसा कि मैं जानता हूँ सर, बिहार में जो धान की खेती को लेकर के ज्यादातर ये है, तो मैं ये चाहूंगा सर कि हमारे लोगों को आप बताएं कि धान की खेती करने के लिए कौन सी जमीन, कितना पानी और मौसम पे कितना निर्भर रहना है, और किस तरह का बीज, क्योंकि धान में भी बहुत सारे अलग अलग बीज होते हैं। बहुत क्वालिटी है, थोड़ा सा बताएं लोगों को। धान में तो बहुत तरह की क्वालिटी आया हुआ है, सेंटर भी आया हुआ है, लंबा दाना भी है, बहुत तरह के करना है। 365 तरह के जातियाँ धान में है, जिस तरह आम में है, जिस तरह मछली में है, 320 तरह की जातियाँ हैं, आम में भी 320 तरह की जातियाँ, जिस तरह धान में बहुत तरह की जातियाँ, मगर ये समय के अनुकूल हर जगह होता है। किसी कहीं के क्लाइमेट कुछ है, कहीं के क्लाइमेट कुछ है, बंगाल का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, झारखंड का क्लाइमेट अलग है, रांची का अलग है, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जितना ठंडा जगह रहेगा क्लाइमेट ठीक होगा, वहाँ हर चीज़ अच्छा होगा। जहाँ क्लाइमेट सही नहीं तो वहाँ कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पानी आज हो रहा है, आज से 10 दिन पहले हालत क्लाइमेट सही नहीं था, सर बिहन ही मर रहा है, क्लाइमेट यहाँ नहीं। अच्छा, कोई ना सिंचाई का सुविधा है, जैसे बंगाल में है, झारखंड में बहुत तरह का काम है, बेल भाई है, यहाँ तो हम कुछ। और जैसा कि आपने बताया सर, जहाँ तक मुझे पता चला कि आपने बताया कि मछली वगैरह का भी नहीं है, तो यहाँ पे मछली का भी होता है? हाँ, मछली होता है, बहुत होता है। आपने कुछ किया है? हाँ, जब मछली में दीदी काम मुखला के मछली काम किए हुए हैं नीतीश कुमार की सरकार में। हम आज से 15 साल पहले हम गए थे सरकार के खर्चा से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, करीब करीब 8-10 आदमी यहाँ से गए थे, मगर पूरे बिहार से कम 100 कैंडिडेट से ज़्यादा हम लोग गए थे, जिसमें 40 आ गया था, 40 गया था यहाँ, क्या बोलते हैं, यहाँ से मछली आती है, क्या बोलते हैं, सब हम लोग का पहले हुआ पटना में टेस्ट हुआ, सब टिकट हम लोग दिया, तो उसके बाद फिर हम लोग गए करीब 28 आदमी यहाँ कलकत्ता दानापुर एक्सप्रेस से सब लोगों को ले आ गया। अब फिर उसके बाद फिर वहाँ से लोग चेन्नई गया, सुधार गया, जहाँ से मछली वगैरह होता है, हर जगह 3 जगह बातें हो, उसको खाना पीना रहना सहना ससुराल में क्या होता, खाना मिलेगा अच्छा, ट्रेन पर खाना, इसी में हम लोग पढ़े भी थे। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई भी की है? हाँ, पढ़ाई लिखा। अच्छा सर, तो जैसा कि पढ़ाई लिखाई आपने की, तो पढ़ लिख करके आप अच्छे से कृषि कर पा रहे हैं? कृषि में भी और मछली में भी, हम मछली में भी, उसके पीछे आप इस पढ़ाई को मानते हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं एकदम ठीक है, अगर पढ़ते नहीं तो इतना उसका कामयाब होता नहीं है। अभी सब दूसरे को लोगों को हम बताते थे मछली में क्या देना है, तालाब में क्या देना है, या तो गंदगी हो गया है, या हरा पानी हो गया है, या मछली में कोई बीमारी हो रहा तो क्या देना है, तो हम लोग बताते हैं। यानी कि पढ़ लिख करके भी इंसान इस तरह का बिजनेस कर सकता है? हाँ, एकदम, पढ़ना ही तो मेन है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि गृहस्थी यानी कि खेती वगैरह नहीं करना चाहते, पढ़ लिख लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो MBA का डिग्री ले लेकर के सोच रहे हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, जॉब नहीं कर रहे, घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक अंदर से एक अरेगेंस जो बोलते हैं ना कि अरेगेंस है, घमंड है कि हमने MBA किया हुआ है। अभी जो कृषि में अगर पढ़ लेगा ना तो हमसे भी आगे बढ़ सकता है। हम ऐसा एकदम हर कुछ नहीं जानता, हम तो हम कम पढ़े लिखे हैं, कभी हम अंधेरे में ताकत के बल जुटे कर मेहनत के बल जुटे पर हम आगे बढ़ा जाए, मेहनत करते करते आगे बढ़े, आज हम लोग कल हम क्या कल हमारे बात बिजली बनाते हैं, मेहनत के आधार पर हम लोग कमे पढ़े सब कामयाब है। मेहनत भी जरूरी है, तालीम भी जरूरी है। तो अंत में यही मैं पूछना चाहूँगा सर, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनको क्या बताना चाहेंगे, जो पढ़ लिख करके उनको इधर भी आना चाहिए कृषि क्षेत्र में? एकदम आना चाहिए, और कामयाब होगा, और कामयाब है ना। हाँ, एकदम, इसी को बोला जाए। ठीक है सर, थैंक यू।